आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बच्चों के साथ तालाब पर नहाने गए पिता के डूबने से मौत। जिले के बिष्ठान थाना क्षेत्र के समर पाठ के पास बलखड़ खुर्द में एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया, जहां उसके डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ग्राम बलखड़ खुर्द निवासी नरसिंह पिता पतलिया उम्र 35 वर्ष अपने दो बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाते समय वो तालाब के बीच पहुंच गया और बच्चे किनारे पर थे। नरसिंह के बीच में पहुंच जाने से वो संतुलन नहीं बना पाया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दो बच्चे लड़की पायल उम्र 9 वर्ष, लड़का ईश्वर उम्र 7 वर्ष बच गए। ये घटना की जानकारी सरपंच झनगढ़ पटेल के द्वारा पुलिस थाने पर दी गई। इसके पश्चात पुलिस थाना बिष्ठान की टीम तालाब पर पहुंची। जानकारी अनुसार मृतक का शव नहीं मिलने पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब बच्चों ने बताया कि पिताजी बीच तालाब में नहा रहे थे। दिन भर की मशक्कत के बाद तालाब से शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। न्यूज लीडर्स के लिए अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। सर, कल क्या घटना घटी थी? बलखड़ तालाब में रमेश अपने दो बच्चों के साथ नहाने गया था। रमेश नहाते समय गहरे पानी में चले गया, जिससे डूबने की उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से रमेश को बाहर निकाला। आपका शुभ नाम? गुलाब सिंह मुजाल थे।